कुत्ते, आखिर आज हमारे हाथ आ ही गया ना। बहुत फुदक रहा था, आप पता चलेगा मंगू से उलझने का अंजाम कितना भयानक होता है। बोल कमीने, तेरी लाश को कहां पहुंचाऊं? तेरे बांस के पास बोल। बोल मंगू, अब इतनी सारी लाशें मैं कहां भिजवाऊं? पता नहीं क्या चक्कर है। मैं सब समझ गया तुम लोगों की बदमाशी। कोई भी आगे बढ़ा तो गोली से उड़ा दूंगा। आप लोग सब इत्मीनान से बैठ जाइए, घबराने की कोई बात नहीं। तुम जाओ अपना काम करो जाओ। बॉस, पुलिस। पुलिस? आइए आइए सरकार आइए। कैसे आना हुआ? यहाँ किसी ने गोली चलाई है। गोली यहाँ? यहाँ गोली कौन चलाएगा? झूठ मत बोलिए, हमें गोली की आवाज सुनाई दी है। गोली? पुष्पा रानी, जरा साहब को भी सुना दो। Woo-hoo!
गुड इवनिंग बॉस। आउट। क्या बात है बॉस, इतनी जरूरी तलब? खास बात है, बहुत बड़ा क्लाइंट है। कोई सेठ, राजा, महाराजा, रानी? रानी देवीगढ़ स्टेट की विधवा रानी गायत्री सक्सेना। बरखुरदार, यूं समझ लो कि रिश्ते में तुम्हारी भाभी बनने वाली है। जी जी बस, ऐसी हरकतें तो पहले कभी नहीं करते थे। शट अप, कम टू द पॉइंट। देवीगढ़ स्टेट का नाम सुना तुमने? जी नहीं। यू आर एन एब्सोल्यूट इडियट। यह है देवीगढ़ पैलेस की पुरानी तस्वीर, जबकि उसकी शान और शौकत का दबदबा बरकरार था। और यह है आज की तस्वीर, खामोश, वीरान, उजाड़। और इतने बड़े महल में रानी जी की हिफाजत के लिए सिर्फ तीन मुलाजिम हैं, नौकर गंगू, नौकरानी लक्ष्मी और दरबान। और यह है रानी जी का अपना महल, और ये देवीगढ़ पैलेस के कुल देवता का मंदिर, और ये देवीगढ़ पैलेस के कुल देवता के तीन सोने की मूर्तियां। सॉलिड गोल्ड? एब्सोल्यूटली सॉलिड गोल्ड। इन्हें गौर से देखो, रानी गायत्री सक्सेना, और ये रानी जी के पति राजबहादुर सुरेंद्र सक्सेना। राजबहादुर सुरेंद्र सक्सेना जो आज से 7-8 साल पहले मनीला में हाई कमिश्नर थे, मनीला सरकार ने कुछ खुफिया कागजात इनको सौंपे थे, और अगर वो कागजात किसी दूसरे मुल्क के हाथ में लग जाते तो उन्हें करोड़ रुपए हासिल हो जाते। लेकिन हिंद सरकार तक वो कागजात पहुंचाने से पहले अचानक मनीला में सुरेंद्र सक्सेना की डेथ हो गई, और हमें खबर मिली है कि वो कागजात आज भी रानी जी के पास है। और उसके अलावा देवीगढ़ स्टेट के अनडिक्लेयर्ड बेशकीमत हीरे जवरात, और वो हमें हासिल करने। कोई रास्ता सोचा है? रास्ता सोचा ही नहीं बल्कि तय कर लिया मैंने। मैंने तुमसे कहा था ना, रानी जी तुम्हारी भाभी बनने वाली है। जी हाँ। तुम देवीगढ़ जाओगे अशोक सक्सेना बनकर। अशोक सक्सेना? रानी जी का देवर। मगर वो है कहाँ? वो आज से 3 साल पहले मनीला में एक गाड़ी के हादसे का शिकार हो गया था। कार रेसिंग में वर्ल्ड चैंपियन था वो। तेज गाड़ी चलाने का उसे बड़ा शौक था, और उसी शौक ने एक दिन उसकी जान ले ली। लेकिन अब अशोक सक्सेना दोबारा जिंदा होकर देवीगढ़ में कदम रखेगा। देवीगढ़ के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हैं, तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। देवीगढ़ के लोग रानी जी की बहुत इज्जत करते हैं, उसे देवी समझते हैं, और उसके एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं। जी जी। लेकिन फिर तुम हमें भी अच्छी तरह जानते हो, हम एक बार जिस चीज पर अपनी नजर डाल लेते हैं, जब तक उसे हासिल नहीं करते चैन नहीं लेते। और जिस आदमी को हम ये काम सौंपते हैं, अगर वो नाकाम रहे तो फिर इसका अंजाम एक बार नहीं कई बार अपनी आंखों से देखा है। मगर बॉस, आपने मुझे अभी तक अपनी तस्वीर नहीं दिखाई। वेरी गुड पॉइंट।
तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए यह अशोक सक्सेना की एक और तस्वीर। लेकिन बॉस काम खतरनाक है। हमने अपने हर आदमी को खतरे से खेलने की तालीम दी है जान हथेली पर रखकर। एक बार फिर से सुन लो तुम्हें वहां से क्या क्या हासिल करना है। आइटम नंबर वन खुफिया कागजात। आइटम टू अनडिक्लेयर्ड बेशकीमत हीरे जवाहरात। आइटम नंबर थ्री सॉलिड गोल्ड सोने की तीन मूर्तियां। हिम्मत है सुनील वर्मा जब से अपने बॉस के जाल में फंसा है वो ये अच्छी तरह जानता है कि बॉस के हुक्म के तो ही मतलब है कामयाबी या समझ लो सुनील वर्मा मर चुका है और उसकी जगह अशोक सक्सेना ने दोबारा जन्म लिया है। अशोक सक्सेना की एक्टिविटीज कल सुबह सूरज निकलते ही देवीगढ़ में शुरू हो जाएंगी जब महल के मंदिर में आरती की पहली घंटी बजेगी। ठीक हो गई रानी माँ, आप ही के कहने से तो डॉक्टर बाबू ने मेहरबानी की। ऐसी कोई बात नहीं। अरे हाँ चंपा। जी रानी माँ। आजकल तेरा पति तुझे मारता वारता तो नहीं? जी नहीं रानी माँ, जब से आपने धमकी दी है ना वो बिल्कुल बदल गए हैं। अच्छा कन्हैया तुम्हारी बेटी की शादी तय होगी? रानी माँ आपकी दया से एक अच्छा सा लड़का मिला है लेकिन वो लोग 3000 रुपये मांग रहे हैं। तुम बाद में मुझसे मिल लेना। रानी माँ आपका टेलीफोन है। मेरा टेलीफोन? जी हाँ। अरे हाँ गंगू जी, लक्ष्मी की सास बहुत बीमार है जी, तुम उसे पैसे लेके मनी ऑर्डर भेज दो। बहुत अच्छा। हेलो कौन मिसेस सक्सेना? जी हाँ मैं मिसेस सक्सेना बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? जी मुझे पहचाना नहीं। नहीं कौन है आप? नहीं पहचाना ना। ये क्या बदतमीजी है? हेलो 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 कौन? कौन?
रानीमा दरवाजा तो बंद है। दरवाजा बंद है तो क्या हुआ? तुम लोग जल्दी जाओ, जाके देखो, मुझे डर लग रहा है। अच्छा जी, अभी देखता हूँ। चलो चलो। रानीमा, कौन है? हमने महल का कोना कोना छान मारा, कहीं भी कोई नहीं मिला। मेरे ख्याल से आपने नींद में सपना तो नहीं देखा। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। अरे ये सामान किसका है? एक साहब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा सामान ऊपर ले जाओ। चलो देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? क्या मतलब? मैंने आपको पहचाना नहीं। मजाक कर रही हो क्या? मैं अशोक। अशोक कौन? अशोक भाभी, मैं तुम्हारा देवर अशोक सक्सेना। नहीं, ये झूठ है। मेरा देवर मर चुका है। भाभी तुम क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? रानी माँ, परवान से कहो इसे धक्के मार के बाहर निकाल दे। भाभी जी सुनो तो। चलिए भाभी जी, तमीज से बात करो, ये मत भूलो कि मैं भी इस घर का मालिक हूँ। भाभी जी, भाभी जी सुनिए, परवान, भाभी जी सुनिए, भाभी जी। ये क्या, तुम ऊपर कैसे आ गए? प्रभु तुम लोग क्या कह रहे हो? दरवान क्या है? भाभी जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्यों इस तरह मुझसे बर्ताव कर रही हो? मुझे नहीं पहचाने का नाटक क्यों रचा रही हो? नाटक? नाटक मैं रचा रही हूँ? बदमाश धोखेबाज, तुमने समझ के रखा है? तुम इस घर में आकर जो कुछ उगाओगे सब मान लेंगे। ठहरो, अब बताती हूँ। ये सुनो भाभी, माय गुडनेस, हेलो पुलिस स्टेशन। भाभी जी, भाभी जी ये क्या कर रही हो घर के मामले में? हुजूर आप आ गए, आपके लिए राजमहल से रानी जी का फोन। रानी जी का? जी हाँ। हेलो। देखिए मैं बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ, आप यहाँ फौरन चले आइए। क्या बात है? एक आदमी अचानक पैलेस में घुस आया है और कहता है कि वो मेरा देवर है। तो क्या वो आपका देवर नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर, वो मर चुका है आज से 3 साल पहले। मैंने लगे कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। ये झूठ है इंस्पेक्टर, मैंने अपनी आंखों के सामने उसकी चिता को जलते हुए देखा है। माय गॉडनेस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। प्लीज प्लीज, थैंक यू। आलम मैं पहले तक जा रहा हूँ, हरी सिंह आओ मेरे साथ। गंगो देखो ये भाग लेना पाए। जी। लक्ष्मी इंस्पेक्टर सब आए तो मुझे बता देना। भैया ये क्या तमाशा देख रहा हूं यहां? मैं जिंदा हूं और ये चलो भाई, जब तक इंस्पेक्टर साहब नहीं आते नीचे चल के बैठते हैं। आप भी चलिए, देखिए कहीं मैं भाग ना जाऊं। Thank you.
आइए दरोगा जी। रानी जी कहाँ? ऊपर है, आइए। नमस्ते रानी जी। नमस्ते, आप आगे गंगू कहाँ है वो? आइए। और यहां क्यों आए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हां, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं मिस्टर अशोक सक्सेना, वल्द राजा देवेंद्र सक्सेना, इस जायदाद का आधा हिस्सेदार। और जिन्होंने आपको टेलीफोन करके यहां बुलाया है वो मेरी भाभी हैं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। आप कहां से आ रहे हैं? मैं फिलहाल तो मैं ऊपर से नीचे आया, इससे पहले मैं नीचे से ऊपर गया था और नीचे बॉम्बे से आया हूं। जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर, बात ऐसी है कि मुझे मालूम था ऐसे सवाल आप भी आप मुझसे पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले से जवाब दे दिया। मगर रानी जी का कहना है कि आप उनके देवर अशोक सक्सेना नहीं हैं, और अगर हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ऐसे इंस्पेक्टर, आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप किस जगह खड़े होकर किस शख्स से बात कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि आपकी रानी जी मुझे पहचानने से क्यों इनकार कर रही हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि आप अशोक सक्सेना से बात कर रहे हैं जो इस घर का मालिक भी है। जी देखिए, जब तक कोई सबूत नहीं। कैसा सबूत? मुझे ये जानना है कि आप कहां से आ रहे हैं। देखा, फिर से आप उसी सवाल पर आ गए। देखिए, बॉम्बे तक तो मैं आपको बता चुका हूं, और बॉम्बे में मैनिला से आया। May I see your passport? Oh, sure. ये जाली पासपोर्ट है, ये कोई नकली पासपोर्ट हो गया इंस्पेक्टर। आप मेरी बात मानिए, मेरा देवर मर चुका है, ये कोई धोखेबाज है। आप अशोक का फोटो देखेंगे, मेरे बेडरूम में है, आइए। चलिए। पासपोर्ट प्लीज। थैंक यू। हरि सिंह, तुम यहीं ठहरो, देखो ये बदमाश भागने ना पाए। जी हुजूर। डर गए हवलदार साहब, ये शेर जिंदा नहीं है, मरा हुआ है बहुत दिनों से। इसे मेरे दादाजी यानी के स्वर्गीय राजा वीरेंद्र सक्सेना ने मारा था। और ये जो सांबर आप देख रहे हैं इसे मैंने नहीं मारा, मेरे दादाजी के पिताजी यानी मेरे परदादा स्वर्गीय, जाने दीजिए,
हाँ। और खास तौर पे ये जो जंगली सुअर देख रहे हैं ये आप। मुझे नहीं सुनना है। ठीक है बैठ जाते। एक मिनट ठहरिए मैं अभी आती हूँ। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए मैं सच कह रही हूँ ये मेरा देवर नहीं है। मैं जानता हूँ रानी जी आप झूठ नहीं बोल रही मगर ये अगर साजिश है तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे और भी लोगों का हाथ है। हमें बहुत सोच समझ का कदम उठाना पड़ेगा। जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता इसके खिलाफ कदम उठाना हमारे लिए मुश्किल है। रानी जी हमें कुछ ऐसे सबूत चाहिए कि सबूत सबूत हाँ शीला 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 अशोक की मंगेतर उसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। जब उसकी मौत हुई तब शीला उसके पिताजी के साथ मंडल में थी। इस वक्त वो बॉम्बे में है। चलिए ट्रकों से बात करते हैं। हेलो यस स्पीकिंग ट्रंक कॉल कहाँ से देवीगढ़। हाँ दीजिए दीजिए। हवला साहब क्या है हम उनके आने का इंतजार क्यों करें हम खुद क्यों ना ऊपर चले। अरे अरे सुनिए तो सही सुनिए। हेलो कौन कौन अंकल गायत्री क्या बात है कैसी हो बेटी। मैं बहुत मुसीबत में हूँ अंकल। क्या हुआ। एक आदमी अचानक पैलेस में घुस आया है और वो कहता है कि वो अशोक है। क्या कह रही हो शीला शीला जरा इधर आना। मगर ये कैसे हो सकता है। सच अंकल उसने पुलिस के पास सारे सबूत दे दिए हैं यहाँ तक कि अपने पासपोर्ट भी दिखा चुका है। माय गुडनेस अब शीला को लेकर फौरन चले आई अंकल। हाँ हाँ हम अभी स्टार्ट करते हैं तू फिक्र मत करो। क्या बात है डैडी। हमें इसी वक्त देवीगढ़ जाना है। देवीगढ़ देवीगढ़ में अब क्या रखा है। वहाँ एक बदमाश पहुँच गया है अपने आप को अशोक कह रहा है। क्या। हाँ हाँ अभी बात करने का वक्त नहीं है हम अभी स्टार्ट करेंगे तो सवेरे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। शीला के यहाँ पहुँचते ही आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। शीला आ रही है क्या इंस्पेक्टर। आप ऊपर कैसे चले आए। इस सवाल का जवाब देना क्या मेरे लिए जरूरी है इंस्पेक्टर। जो देखिए इंस्पेक्टर भाभी जी ने शायद आपको अशोक सक्सेना का फोटो भी दिखा दिया होगा। हाँ मगर इंस्पेक्टर लगता है इस वक्त कहने के लिए आपके पास देखिए अगर मगर इसके सिवा कोई अल्फाज नहीं है और मेरे पास फजूल बर्बाद करने के लिए वक्त भी नहीं है। मैं बहुत थका हुआ हूँ आराम करना चाहता हूँ। मगर मेरा मतलब है जब तक मैं शीला यहां नहीं पहुंच जाती रानी जी की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। टूट शौक से कीजिए इंस्पेक्टर आपकी रानी जी का महल इस तरफ मैं अपने डैडी के लाइब्रेरी रूम में सो जाता हूं। लाइब्रेरी जी हाँ इंस्पेक्टर इस तरफ। इंस्पेक्टर मैं जब बहुत छोटा था कई मरतबा डैडी रात को पढ़ते पढ़ते वहां सो जाते थे मैं भी उनके साथ वहीं पर सो जाता था। मेरे ख्याल से वो पलंग वहीं होगा। इंस्पेक्टर आप आपकी रानी जी की हिफाजत कीजिए मैं चलता हूं। आई थिंक इट्स माइन। हेलो हेलो यस इट्स माइन। हाँ मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाँ बोल क्या हाल है मामला जमा। अबे क्या उल्लू की तरह बात कर रहा है यार। उल्लू अरे भाई मैं कैसे आ सकता हूँ एक तो इतने दिनों बाद घर आया ऊपर से मेरी फियांसी आ रही। फियांसी ये कहां से टपक पड़ी। हाँ शीला। अरे यार मैं नहीं आ सकता। अशोक सक्सेना की फियांसी शीला इसका मतलब है कि तुम जम रहे हो। अरे भाई ट्रेन प्लेन नहीं है तो क्या हुआ बहुत पैसे वाले हैं दे मस्ट बी कमिंग बाय कार। ओके नहीं यार आज जाने दे बाय। किससे बात कर रहे थे आप।
अपने दोस्त से। हम दोनों एक ही फ्लाइट में मैनिला से आए। जोगिंदर सिंह 544107 कंफर्म इट। सुनिए जी, मुझे उम्मीद है मिस शीला के पहुंचने तक आप यहीं रहेंगे। ऑफ कोर्स, और उसके बाद भी। इस घर में खाने पीने की उम्मीद तो नजर नहीं आती। चलो चलकर सो जाते, लोग हैं मुझे। ठीक है अब इंस्पेक्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? उसे ये छोड़कर जा रहे हैं? इस सुनसान महल में अकेली औरत, एक नौकर नौकरानी और दरबान के सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो जब तक मैं शीला यहाँ नहीं आ जाती, इसके खिलाफ मैं कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। आप फिक्र मत कीजिए, हरी सिंह आपकी हिफाजत के लिए यहीं रहेगा, और अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मुझे टेलीफोन कर देगा, मैं फौरन यहाँ चलाऊंगा। आप जाइए, आराम कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते। देखो हरी सिंह, तुम इसी हॉल में रहना और बड़ी होशियारी से पहरा देना। और सुनो, मैं बहुत दफे देख चुका हूँ, बहुत बुरी आदत है तुम्हारी, बैठे बैठे सो जाओ। नहीं नहीं हुजूर, इतना गंभीर मामला और मैं सो जाऊं? हुजूर, इस केस में अगर हमें कामयाबी मिले तो मुझे प्रमोशन तो मिल जाएगा ना। आप लोग तो कितने आए गए, मैं 20 साल से एक ही जगह सर रहा हूं। ठीक है ठीक है, जो कहा है पहले वो करो। जी हाँ। एरियल, यस बॉस। अशोक सक्सेना की फियांसी शीला। ओके बॉस। हाइट, यस बॉस। पुष्पा से कहो हमें फौरन मिले। राइट है बॉस। गंगू, गंगू आए। रानीमा, दरवाजा बंद कर दो। अच्छा जी। और बाहर से कड़ी लगा दो। ठीक है जी। गंगो जी, पहले इधर आओ। डैडी की तस्वीर पे इतनी धूल क्यों है? किस बात के बगैर खाते हो? देखते क्या हो? चलो साफ करो, चलो। चला साफ करो। महल का हल्का बना रखा है, दिन भर क्या करते हो तुम लोग? एक नौकर, एक नौकरानी, रानी मां, सबको बाहर निकाल दूंगा। दादाजी की तस्वीर पे माला क्यों नहीं है? मुझसे पैसे ले जाओ और माला खरीद के लाओ, समझे? कमीना, बदमाश, ये तो इस घर के बारे में एक एक चीज मालूम करके आया है। कौन इसको साथ दे रहा है? कहीं मेरी समझ में नहीं आता, जब पुलिस ने झील से गाड़ी के साथ अशोक की लाश को निकाला था तब आप भी तो मेरे साथ थे। बाकी लोगों ने भले ना पहचाना हो, मगर हमने तो पहचान लिया था। और फिर अशोक के हाथ में मेरी दी हुई अंगूठी भी तो थी। समझ में नहीं आता, ऐसी हिम्मत कैसे कोई कर सकता है? बेटी, जमाना ही बदल गया है, चारों तरफ गुंडे बदमाशों का राज। क्या हुआ? किसी ट्रक ने रास्ता बंद कर दिया साहब। ये क्या, रास्ता क्यों बंद कर रखा है? रास्ता इसलिए बंद है कि हम नहीं चाहते कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। क्या मतलब? कौन है तुम लोग? आप लोग देवीगढ़ जा रहे हैं ना? हम कहीं भी जाए, तुम्हें इससे क्या मतलब?
हम नहीं चाहते कि आप देवीगढ़ जाएं, लेकिन फिर भी आपका देवीगढ़ जाना तो बहुत जरूरी है। आप वहां जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। देवीगढ़ में जो हमारा आदमी है उसे आपकी बेटी अशोक सक्सेना के नाम से शनाख्त करेगी। कभी नहीं, हम ये काम कभी नहीं कर सकते। आपसे कहता कौन है? आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहां रहेंगे मेरे मेहमान बनकर, जब तक आपकी बेटी मेरा काम नहीं करती। नहीं, मेरी बात पूरी तरह सुन लो। तुम देवीगढ़ जाओगी, हमारा कहा हुआ हर काम करोगी। सुनो, तुम अपने बाप की इकलौती बेटी हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपने बाप से बहुत प्यार होगा। कमीने, ले जाओ उसे। अकल से काम करो। मैं वादा करता हूं अगर तुम हमारे कहने पर चलोगी, तुम्हारे डैडी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर तुम्हारे सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है। गाड़ी में बैठो, चलो। ड्राइवर, गेट आउट ऑफ दैट कार। मगर मैं जाऊंगी कैसे? मैं तुम्हें ड्राइवर देता हूँ, बहुत शरीफ है। हाइट। यस बॉस। ये न सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करेगा बल्कि तुम पर नजर भी रखेगा। ड्राइव। ये ट्रक हटा लो रास्ते से। ड्राइवर, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो, मुझे किसी पुलिस स्टेशन ले चलो। मैम साहब, जब हम बॉस का काम करते हैं, बॉस के कान और आंख हमारे साथ रहते हैं। क्या मतलब? पीछे मुड़कर देखिए, मेरी जेब में एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमारे बॉस हमारी बातें सुन रहे हैं। मैम साहब, बॉस ने जो कुछ भी कहा है वैसा ही कीजिए, आपके लिए भी अच्छा और आपके डैडी के लिए भी। रानी माँ, पुरोहित जी की पूजा खत्म हो गई है, अब आरती के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। पुरोहित जी से कह दो आरती शुरू कर दें, मैं तैयार होकर आती हूँ। बहुत अच्छा। रानी माँ आ गई। नमस्कार। नमस्कार रानी माँ। नमस्कार रानी माँ। नमस्कार भाभी। तुम इस मंदिर में क्या कर रहे हो? भाभी, मैं जब बहुत छोटा था हमेशा माँ की गोद में बैठकर यहाँ आरती देखा करता था। तुम तो तब इस घर में आई भी नहीं थी। ये झूठ है। देखिए, आप लोग मुझे इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं। कल ये आदमी हमारे घर में घुसाया और कह रहा है कि ये मेरा देवर है। रानी माँ, क्या ये आपका देवर नहीं है? नहीं, मेरा देवर मर चुका है। फिर तो ये बदमाश है। रानी माँ, एक बार हुक्म करके तो देखिए, मार मार के इसकी लाश गिरा देंगे हम। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मुझे मालूम है आप अपनी रानी माँ की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये मत भूलिए जिस जगह खड़े होकर आप मेरी लाश गिराना चाहते हैं उस जगह का मालिक मैं भी हूँ। मगर हमारी रानी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मेरी माँ की मौत के बाद जब मैं इस गांव से गया था तब मेरी उम्र 5 साल की थी। अब 20 साल गुजर जाने के बाद मुझे मेरी सूरत से तो कोई नहीं पहचान सकता। तो उसी का फायदा उठाकर तुम यहाँ घुस आए हो? मुझे मेरी बात तो खत्म करने दीजिए। मुझे मालूम नहीं वो शख्स अभी तक जिंदा है कि नहीं जिसका नाम दीनू पटेल था। दीनू पटेल मैं हूँ, क्या कहना है? दीनू काका, माँ की मौत के बाद पिताजी जब मुझे मामा के घर भेज रहे थे तब दीवान जी के साथ आप ही तो थे ना? हाँ, ये बात तो सच है रानी माँ। ये बात सच हो सकती है, लेकिन ये आदमी सच्चा नहीं है। कोई भी इंसान 20 साल पहले की बात याद नहीं रख सकता। रख सकता है, बचपन की कई बातें इंसान मरते दम तक नहीं भूलता। लेकिन मैं जाने क्यों भाभी जी कल से मुझे नहीं पहचाने का नाटक रचा रही है। वो देखिए, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। कल से मैं सबूत पे सबूत दिए जा रहा हूँ कि मैं उनका देवर हूँ, लेकिन भाभी जी ये साबित नहीं कर पाई कि मैं अशोक नहीं हूँ। सबूत? हाँ हाँ, सबूत। ठहरो, अभी तुमको सारे सबूत मिल जाएंगे। तो
शीला, शीला तो आ गई? वो देख, वो आ रहा है बदमाश। तू आज सबके सामने कह दे कि वो अशोक नहीं है। हाय शीला। हेलो अशोक। क्या ये तुझे अशोक नजर आ रहा है? हाँ भाभी, ये अशोक ही तो है। ये तू बोल रही है? तू? इसका मतलब ये है तू भी इससे मिली हुई है। क्यों आई है यहाँ? क्यों? चले जा, चले जा यहाँ से। पता नहीं भाभी जी को क्या हो गया है। बुरा नहीं माना शीला, मुझे तो ऐसा लगता है 5-6 साल पहले भाभी को जो दिमागी दौरा पड़ा था वो फिर से पड़ा है। देखो ना, सबके सामने तुम्हें जलील किया, मुझे भी नहीं पहचानती है। समझ में नहीं आता क्या होगा। आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? जाइए। हाँ भाई चलो, बड़े घर की बड़ी बड़ी बातें हैं यार। हाँ जाइए। सर इंस्पेक्टर, कल से आप खुद बहुत परेशान हैं और हमें भी काफी परेशान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। आओ शुरू। शायद जरूरत पड़े मिस्टर अशोक सक्सेना। हाँ मिस्टर सक्सेना। आओ हरि सिंह। ड्राइवर जी साहब, हम सब का सामान ऊपर ले आओ। चलो। क्यों हमें तंग कर रहे हो? कौन है आप? मैं अशोक हूँ, अशोक सक्सेना। ऊपर से रानी जी देख रही हैं। कम ऑन। रानी माँ जी, तुम जाओ और शीला को बुला के ले आओ, कहो मैंने बुलाया है। बहुत अच्छा। चलिए। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपने जो कुछ भी कहा मैंने किया, अब मुझे जाने दीजिए, मेरे डैडी को भी छोड़ दीजिए। शीला जी, इस वक्त आपके डैडी कहाँ है ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता आप यहां से जा नहीं सकते। क्यों? बात यह है कि शीला, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाभी जी ने तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया। क्या बात है गंगू? शीला जी को रानी मां ने बुलाया है। भाभी ने बुलाया है? जाओ शीला, जाओ जाओ जाओ। देखो तुम ही रहो, और कोई आने ना पाए। हाँ बैठ। शीला तूने ये क्यों कहा कि वो अशोक है? किस डर से तूने मुझे सबके सामने झूठा बना दिया? वो कौन सा दबाव है जिसके लिए तू झूठ बोल रही है? भाभी मैं प्लीज शीला प्लीज एक बार इंस्पेक्टर के सामने बोल दे कि वो अशोक नहीं है। मगर भाभी मेम साहब, साहब ने आपको ऊपर बुलाया है, आपके डैडी की तबीयत खराब है। आपने कहा था ना कि आपको टेलीफोन करना है। वो रहा तुम्हारा कमरा। ड्राइवर। यस सर। तुम्हारे मेन साहब का सूटकेस कमरे में पहुंचा दो और दूसरा सूटकेस यहीं रहने दो। बॉस का फोन था, इनके डैडी का सूटकेस वहीं भेज देंगे। क्या हुआ हुजूर? हरि सिंह तुम यहां उतर जाओ।
और मेरे घर जाकर इत्तला दे दो कि मैं एसपी साहब से मिलने देवीपुर जा रहा हूँ। क्यों हुजूर? मुझे फिर से यकीन हो गया है कि ये आदमी नकली। यही तो मैं भी कह रहा था हुजूर। मैंने कल वो सब समझे, जो मैं कह रहा हूँ पहले वो करो। मेरे घर से होकर तुम सीधा महल में जाओ और उन दोनों पर कड़ी निगरानी रखो। खास तौर से ये देखो कि वो लड़का और लड़की आपस में किस तरह का बर्ताव करते हैं। हुजूर, जैसे भी हो एसपी साहब से कहकर उसके नाम वारंट लिखवा लीजिएगा। एक बार मेरे चुंगुल में आ जाए ना तो पुलिस चौकी ले जाकर ऐसी धुलाई करूंगा कि अपना तो क्या, पूरे खानदान का सही नाम पता उगल देगा। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले तुम उतर जाओ। अभी उतरता हूँ। मैं मानता हूं पांडे, तुम्हारी हर बात सही है, मगर तुम खुद ही कह रहे हो कि रानी जी कोई सबूत नहीं दे पा रही हैं। इसी बात पे हमें अरेस्ट वारंट नहीं मिल सकता है। तो मान लो कहीं मिल भी जाए, बड़े घर का मामला है, कल को कहीं उल्टी बात निकले तो हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं जानता हूं सर, मगर सर जैसे मैंने आपसे कहा कि शीला जी ने उसे अशोक सक्सेना जरूर मान लिया, मगर जब उस बदमाश ने शीला जी का हाथ पकड़ा तो शीला जी का एटीट्यूड देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो That's a good point. मगर पांडे, yes sir, हम एक काम क्यों ना करें? Yes sir, हम मनीला पुलिस को कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या नाम बताया उसका? अशोक सक्सेना। हाँ, कि अशोक सक्सेना के बारे में कंप्लीट इंक्वायरी करके हमें डिटेल रिपोर्ट भेजे। Yes sir, और रिपोर्ट मिलते ही we can take action. बहुत अच्छा सर। मेम साहब, 2 बजे आप खाना नहीं खाएंगी? साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे खाना वाना नहीं खाना, चले जाओ यहाँ से। आप अभी तक तैयार नहीं हैं? तुम यहाँ क्यों आए हो? आपसे मिलने। क्यों? अभी बॉस का फोन आया था, उन्होंने कहा अगर आप ठीक तरह से हमारा साथ देंगी तो बहुत जल्द आपको और आपके पिताजी को छुटकारा मिल जाएगा। साथ? तुम लोग चाहते क्या हो कि तुम्हें अशोक सक्सेना मानकर बेशर्मों की तरह तुम्हारे गले लग जाऊं, तुमसे मोहब्बत करूं? छी 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 छी। अच्छा, आपने इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले लिया? अच्छा, ऐसा क्यों नहीं सोचते? फर्ज कीजिए ये एक फिल्म है और ये फिल्मी सीन है जिसमें मैं हीरो हूं, आप हीरोइन है। राइटर ने सीन लिख दिया है, हमें सिर्फ निभाना है। वरना मुझे क्या आपसे मोहब्बत की भीख मांगनी है? अरे मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है क्या? आहिस्ता आहिस्ता शीला जी, आपने तो वो मिसाल सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, और यहाँ आपके ड्राइवर के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए यहाँ की सारी बातें बॉस के कानों तक पहुंच रही हैं। अरे ये क्या शीला जी, आपने तो रोमांटिक सीन शुरू होने से पहले सेशन शुरू कर दिया, ये बहुत बाद में आता है क्लाइमेक्स के आसपास। देखिए शीला जी, हमें तो ऑडियंस को ये दिखाना है कि आप अशोक सक्सेना से बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुश हैं। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए और हंसते हंसते नीचे आ जाइए। माफ कीजिएगा, किसी को बार बार धमकी देना अच्छा नहीं लगता। आप जो कुछ भी करेंगे दैट्स फॉर योर ओन सेक। मैं अकेली रहना चाहती हूं। बिल्कुल सीन के खिलाफ है। शीला जी, इस वक्त ऑडियंस की नजरें चारों तरफ से हम पर है, ऐसा क्यों ना करें, एक जोरदार डुएट गाना गाते हैं,
जो सिचुएशन में एकदम फिट बैठे। मुझे गाना वाला नहीं गाना। मुझे तो गाना है तो गाइए ना। अरे सुनिए तो, आपका रिएक्शन भी तो चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाभी जी चली गई। चली गई फिर तो हमें भी चलना चाहिए। देखो ना अंधेरा भी होने को आया, और हाँ खास तौर पे इस झाड़ के आसपास बहुत ही खतरनाक किस्म के जहरीले सांप और बिच्छू है, काटा तो खत्म। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कौन है तुम? हम सुंदरी हैं रानी माँ। कौन सुंदरी? आपके चाकर लक्ष्मी की ननन। लक्ष्मी कहाँ है? वो तो ससुराल चली गई। ससुराल चली गई? मुझे बगैर पूछे? बात यह है रानी माँ कि मौसी की तबीयत बहुत खराब हो गई रही। मौसी? लक्ष्मी के सास हमारी मौसी है, तो हम भैया के साथ भागे भागे आए और भौजी उनका साथ चली गई। हम गंगू काका के साथ ऊपर तक आए रहे, दरवाजा बंद रहा, आप आराम करत रही ना। गंगू, गंगू। रानी माँ आया जी। लक्ष्मी ससुराल चली गई? हाँ रानी माँ। कौन आया था उसे लेने? उसका पति आया था उसे लेने। तुम खुद उससे मिले? हाँ रानी माँ, मैं उसको लेकर आया था ऊपर, लेकिन आप सो रही थी। ये कौन है? ये लक्ष्मी की ननद है, जाते वक्त लक्ष्मी खुद ही इसे यहाँ छोड़ गई आपकी सेवा के लिए। ठीक है तुम जाओ। आप डराए गई रही रानी माँ? क्यों, डरने की क्या बात है? हम कहा लक्ष्मी भौजी सब बता गई है, फिक्र की कोनो बात नहीं है। ये फोटो वहाँ किसने रखा? हमें ही रख दिया रहे रानी माँ, गलती हो गई, माफ करी। फोटो वहां से उठाओ और बाहर फेंक दो। अब इन्हें फेंका थे लो। ए, नौकरानी। ए, नौकरानी, नौकरानी क्या लगा रखा है? तोहार नौकरानी नहीं है, रानी माँ के खास चाकर है। लगता है महल के अदब कायदे से वाकिफ नहीं हो। ठीक है ठीक है, शीला जी को देखा है? हम किसी शीला विला को नहीं जानते, हमारा काम नहीं है। अरे समझे। अरे गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हाउ आर यू? अरे नौकरानी, हम दोनों का नाश्ता ले आओ, रानी जी की खास चाकर। दोस्तों भाभी सुनो, शीला मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को यहाँ इसलिए बुलाया था कि तुम लोग मेरी मदद करोगे। तुम्हारे पिताजी ने तो मुंह छुपा लिया और तुमने पुलिस और लोगों के सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। अब इस घराने की मान मर्यादा पर कीचड़ क्यों उछाल रही हो? जो सर्वनाश करना था वो तो कर चुकी हो, अब यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मगर भाभी उसने उसने कौन? वो अशोक। अशोक, अशोक, अशोक। देख शीला अभी वक्त है, पुलिस के सामने सब कुछ बता दे। भाभी मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, चली जाए यहां से, चली जाए यहां से, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगी। तुमने इस तरफ आने की हिम्मत कैसे की? भाभी तीन चार दिन से तुम जो हरकतें कर रही हो वो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इस घर से शीला को निकालने का हक तुम्हें किसने दिया है? क्या जबरदस्ती इस घर की मालकिन बनकर तुम समझती क्या हो? जो चाहोगी कर लोगी, जब तक मैं जिंदा हूँ इस महल पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। लफंगे बदमाश, मुझे अकेली समझकर मेरे खिलाफ साजिश करके तू क्या समझता है कि तू बच जाएगा? क्या दुनिया से कानून उड़ गया है? हाँ हाँ तो जाओ कानून का सहारा लो। आज तक तुम्हें क्या सबूत दिया है? लगता है तुम्हारा वही पागलपन फिर से शुरू हो गया है। अब तो तुम्हें सीधा करने के लिए दूसरा ही तरीका सोचना पड़ेगा। और कान खुलकर सुन लो, शीला यहाँ से नहीं जाएगी। आज के बाद अगर तुमने शीला का किसी भी तरह से अपमान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दंगो, सुंदरी, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दरबान से कहकर इसे धक्के धक्के बाहर निकाल दो। क्या कर रही हैं आप?
जो कुछ भी हो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरे पिताजी की मौत की धमकी देकर तुमने मुझे मदद करने पर मजबूर किया। भाभी जी को मैं अपनी बड़ी बहन की तरह समझती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे उनकी नजरों से बिगड़ा दिया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। इस घराने से मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिससे अशोक की मौत हुई, लेकिन आज तुम्हारी वजह मुझे यह भी सुनना पड़ा कि मैं उनकी मान मर्यादा पर कीचड़ उछाल रही हूँ। शिला जी, देवीगढ़ की मान मर्यादा का क्या मोल है इससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हमें तो देवीगढ़ की दौलत से मतलब है। जिस अशोक की मौत के साथ आपके इस घर से सारे रिश्ते खत्म हो गए, उसी अशोक की मौत का सहारा लेकर रानी गायत्री देवी इस सारी दौलत की मालिक बनी बैठी है। हमें तो सिर्फ दौलत चाहिए, नथिंग बट मनी। या तो रानी गायत्री देवी मुझे अशोक सक्सेना मान ले, वरना हम उनका नामो निशान मिटा देंगे। यस, तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया है? वो कौन है, क्या चाहता है? उस शैतान से बचा लो, बचा लो भगवान, बचा लो। कौन है, कौन है? मैं यहाँ हूँ रानी माँ। पहले से आवाज क्यों नहीं दिया? रंगो, क्या बात है रानी माँ, क्या हुआ? बाहर कोई बदमाश है, मैंने दरवान से आवाज दिया और वो सामने आ गया। मैं देखती हूँ, पुलिस को फोन करती हूँ। क्या बात है, भाभी जी क्यों चीखी? दरोगा जी, दरोगा जी, यही है वो आदमी, हमने पहले इसको कभी नहीं देखा, पता नहीं कहां से आया। लुक जा, निफंगा। कौन हो तुम? मैं इस महल का नया दरबान हूं हुजूर। नया दरबान? तुम्हें रखा किसने? बचन सिंह कहां है? उसे मैंने निकल दिया है भाभी। क्या मतलब? मतलब यह है कि वो बहुत ही बदतमीज था, इसलिए। मगर रानी जी की इजाजत के बगैर आपने पुराने दरबान को निकालकर ये नया दरबान कैसे रख लिया? इंस्पेक्टर, मेरे घर से किसे निकालना है और किसे रखना है ये देखना मेरा काम है। अरे वाह, महल की मालकिन हमारी रानी माँ है और उनका हुक्म के बगैर ही नया आदमी आ गया। तू नौकरानी है और नौकरानी की तरह रह, इन बातों में तुझे दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? देखा इंस्पेक्टर, इस आदमी की हिम्मत देखी? हाँ हाँ देखा। और इंस्पेक्टर, मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप हमारे जाति मामले में दखल दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपने हवलदार साहब को जासूसी करने के लिए यहाँ छोड़ दिया। दिस इज माई लास्ट वार्निंग, अगर आज के बाद आपने हमारे किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश की तो मुझे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। गुड नाइट। और दरबान, दरवाजा बंद कर दो और सुनो, रानी जी हमारी भाभी हैं, उनकी हिफाजत के लिए किसी सरकारी पुलिस या हवलदार की जरूरत नहीं, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। आओ शिला, आओ। इंस्पेक्टर, आप फिक्र मत कीजिए रानी जी, एक बार मनीला पुलिस से रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखिए हम इस आदमी को किस तरह सीधा करते हैं। नमस्ते रानी जी। आओ हरि सिंह।
दो चार दिन से देख रहे बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। किसी खतरनाक मुजरिम से पाला पड़ा है क्या? अरे क्या बताऊं, जीना हराम कर दिया इस कमीने ने। पता नहीं कितना भाग रहा है उसके पीछे। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, बैठो ना, तुम बैठो। अच्छा मान लो एक दिन मैं घर पर आया और तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, लोगों से ये कहने लगी कि मैं तुम्हारा पति नहीं। क्या बक रहे हैं आप? बक नहीं रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। बोलो ना, अगर तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? होगा क्या, लोग मुझे पागल कहेंगे और पागल खाने भेज देंगे। पागल? हाँ। नहीं नहीं। अच्छा रानी गायत्री देवी को तो तुमने देखा है ना, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ऐसा हो सकता है कि जायदाद के लालच में झूठ बोलकर? क्या कह रहे हैं आप, जो औरत अपने दोनों हाथों से दिन रात दान पुण्य करती रहती है वो दौलत के लालच में कभी झूठ नहीं बोल सकती। मेरा भी यही ख्याल है, मगर वो कमीना कह रहा था कि 5 साल पहले रानी जी का। आप खाना खाइए, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं समझेगी, मैं देखता हूँ जाके। हेलो हेलो पांडे। यस सर। देखो मनीला पुलिस की रिपोर्ट आ गई है। आ गई? तुम ऐसा करो फौरन यहाँ चले आओ। जी हाँ मैं अभी आया सर, अभी आया। कमला मुझे अभी देवी पर पहुंचना, एसपी साहब ने बुलाया। अरे पर खाना तो खा के जाइए। वो तुम समझती नहीं हो, खाना मैं शाम को आकर खा लूंगा, बहुत जरूरी काम है। टोपी टोपी लेकर, हाथ भी तो धोना है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक शादी के 2-1 महीने पहले उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस पैदा हो गए थे और सगाई तोड़ दी गई थी। पांडे उस दिन जब तुम मिस शीला के एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक दिस कुड बी द रीजन। तुम्हें क्या ख्याल है? कि पांडे आई थिंक वी कैन अरेस्ट दिस पर्सन इमीडिएटली। वो तो यहां मौजूद है, ये देखो क्या लिखा है। कार रेस में अशोक सक्सेना का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी आदमी उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका। 3 मिनट में हिल स्टेशन के रास्ते पर 7 मील कवर करना इम्पॉसिबल। अशोक सक्सेना के सिवाय और कोई ये कर ही नहीं सकता। यस सर, मैं अभी जाकर रानी जी को टेलीफोन करता हूं। ओके हेलो रानी जी, नमस्ते। मैं अभी अभी एसपी साहब से मिलकर आ रहा हूं, मनीला साहब के देवर की फाइल आ गई है। हाँ। लेकिन उसने उसके एक्सीडेंट का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना हमारे लिए मुश्किल है। मगर रानी जी, उसने एक जगह ऐसा लिखा है कि आपका देवर कार रेस का चैंपियन था। हाँ हाँ, और आपने अच्छे याद दिलाया, वो खबरें कुछ मैगजीन्स में छपी थी। वैसे 2-3 मैगजीन्स मेरे पास है, उसमें अशोक का फोटो भी है। अच्छा वेरी गुड, तब तो आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा। मैं भी आता हूँ रानी जी। मगर रानी जी, अगर मुझे वहां आते हुए उस कमीने ने देख लिया तो? आप एक काम कीजिए, महल के पीछे जो बड़ा चंपा का झाड़ है आप वहां आके इंतजार कीजिए, मैं सब बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ जी। अच्छा अरे पर खाना तो खा के जाइए। ओ खाना खाना खाना, जब देखो खाना जीना आराम करके रख दिया। देख कमला, अगर 2-4 दिन नहीं खाऊंगा तो क्या मर जाऊंगा? एक बार उस कमीने को अंदर कर दूं, फिर 2-4 दिन का खाना एक साथ खा लूंगा। सुंदरी सुंदरी। आई रानी माँ। जी रानी माँ। सुंदरी मैंने इंस्पेक्टर साहब को वो चंपा के झाड़ के नीचे बुलाया है। अच्छा। तू नीचे जाके देख कि वो आए कि नहीं। अच्छा। जब आ गए तो पीछे के दरवाजे से वो काज घर में ले जाना, मैं वही जा रही हूँ। जो हुक्म रानी माँ। जी रानी माने
कांच घर ने आपको बुलाया है, आप फिक्र न करें, हमारे साथ आवे आवे। वो भी गायब हो गया। माय गुडनेस। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर, चार पांच दिन पहले वो सारे मैगजीन्स में थे, ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि उनकी ये कार्रवाई बहुत पहले शुरू हुई। एक बात पूछो रानी जी, आपके नौकर नौकरानियों में से कहीं कोई? खैर आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद उनसे जाकर मिल लेता हूँ। नमस्ते। सलाम हजूर। तुम वहां क्या कर रहे थे? जी रानी मां आपसे मिलने आई थी, मैं उनका नौकर, उनकी हिफाजत करना तो मेरा फर्ज है ना हजूर। सलाम हजूर। देखा रानी मां, इस इंटरले पुलिस वाले से और कुछ नहीं हुआ तो हम गरीब नौकर नौकरानियों पे शक करने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं तो क्या बात है, हम तो कहे थे रानी माँ आप एक बार हुकुम तो करके देखो, चुटकी में सब काया पलट करके रख दूंगी। हाँ तू क्या करेगी रानी माँ, इतना बड़ा सुनसान महल है, उस कमीने को सोते में खत्म करके उसकी लाश भी गायब कर देंगे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, पुलिस सोचे के डर के मारे भाग। नहीं, नहीं। तू जा, जा। इंस्पेक्टर, लगता है मेरी बात याद रखने की बजाय आप उसे बार बार भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात नहीं है मिस्टर सक्सेना, दरअसल आज मैं आप ही से मिलने आया हूं। कोई खास बात? जी। आइए। आइए। तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर साहब, शायद आज आप ये कहने आए हैं कि आपको यकीन हो गया है कि मैं अशोक सक्सेना हूं। बात दरअसल ये है कि मैं अपने एक दोस्त से आपका जिक्र कर रहा था तो पता चला कि आप तो बहुत ही मशहूर हस्ती हैं। मसलन? सुना है जब आप फॉरेन में थे तो आपने कार रेस में कई इनाम जीते और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था, और इसकी तस्दीक रानी जी भी कर चुकी हैं। फिर बात यह है मिस्टर सक्सेना की रानी जी, मेरा मतलब है आपकी भाभी जी, कह रही थी कि ये सब खबरें आपके फोटो के साथ कुछ फॉरेन मैगजीन्स में भी छपी थी। जी हाँ। और ऐसी कुछ मैगजीन्स रानी जी के पास भी थी जो उनके कबर्ड से गायब हो गई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, गायब नहीं हुई। बात यह है कि भाभी जी मेरी कोई भी निशानी अपने पास रखना नहीं चाहती, मगर आप दुखी क्यों हैं? जब नहीं वो मशहूर हस्ती हूं तो ऐसी दो चार मैगजीन तो मेरे पास भी होनी चाहिए। एक मिनट। One second. Yes. Yeah, it is. Dekhiye. Eric. Dekhiye na. Aur kuch dekhna hai? Ji nahi. फिर भी ऐसे फैंटास्टिक शोज और कार रैलीज देखने की तमन्ना तो होती है ना? ओह यस यस यस, आई डोंट डिनाई इट। लेकिन क्या इंस्पेक्टर, अगर मेरे पास ऐसी अच्छी रेसिंग कार होती तो मैं आपकी तमन्ना पूरी कर देता। मेरे ख्याल से ऐसी इंपोर्टेड कार्स तो हमारे यहाँ भी मिल जाती होंगी, है ना? यहाँ के बारे में मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं बचपन से बाहर चला गया था। अब ऐसा कीजिए, आप पता लगाइए, अगर आपको कोई अच्छी रेसिंग कार मिल जाती है तो मैं खरीद लूंगा और आपकी तमन्ना पूरी कर दूंगा। थैंक यू। थैंक यू। मेंशन नॉट।
सॉरी, इट्स ऑल राइट। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है पांडे? एक काम करो, आज ही अखबार में इश्तेहार दो कि एक इंपोर्टेड रेसिंग कार चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि यह इश्तेहार हमने दिया है, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। एक काम करें सर, देवीगढ़ में मेरा एक दोस्त है, बिजनेसमैन है, मिस्टर त्रिपाठी, उसके नाम से इश्तेहार दे दें। मैं चलूं सर? अरे मारा बाप, मैंने किधर पता दिया भाई, ये है तुम्हारा आदमी। आदमी आदमी मतलब क्या? आदमी को लफड़ा नहीं क्या भाई? बेटो डला लू, गाड़ी का डलारी करता हूँ काली ओंडी। एजेंट एजेंट आश्यम भाई, घबराई नहीं, हमने आपको गाड़ी खरीदने के लिए ही बुलाया। गाड़ी? आप गाड़ी? अरे विलायती गाड़ी बहुत महंगा आता हमारा बाप। हमें गाड़ी अपने लिए नहीं चाहिए, गाड़ी खरीदेंगे देवीगढ़ के छोटे कुमार साहब, अगर गाड़ी उनकी मनपसंद हुई तो। पसंद? अरे अक्का दुनिया का गाड़ी इसका अंदर बंद है। इसमें? हाँ इसमें है, गाड़ी नहीं मेरा मतलब नमूना, सैंपल सैंपल सैंपल। नमूना? चलिए कैसे। काशिम भाई? नहीं, काशिम भाई तो मेरे मरूम वाले साहब का नाम था, मेरा नाम आशिम भाई वर्मा वाला। आशिम भाई, अच्छा देखिए, छोटे कुमार साहब के पास पहुंचकर उनसे यही कहिएगा कि हमारी और आपकी पुरानी जान पहचान, गलती से भी उन्हें ये पता ना चले कि आप अखबार में इश्तेहार देखकर गाड़ी बेचना है। कुछ लग रहा है क्या? नहीं लफड़ा कोई नहीं। चलिए जरा कोने में एक छोटी सी बात है, ये गाड़ी की दलाली के अंदर खाली हम लोग दोनों का हिस्सा है कि वो मोटे से हवलदार का भी कुछ? क्या कहा? है? कुछ नहीं, मारा बाप तू इन पे मत आना। देखिए हिस्सा विस्सा किसी को नहीं मिलेगा, सारी की सारी दलाली आपको ही मिलेगी। बहुत अच्छा, आप चलिए कासिम। गलत पकड़ा। काशिम भाई ने आशिम भाई? काशिम भाई मेरे बाप का नाम था, बाप के नाम से बेटे को पुकारेगा तो दोनों पकड़ा जाएगा ना, दोनों की पुरानी जान पहचान है। नहीं क्या? क्या आओ त्रिपाठी, तुम रास्ते में छोड़ता बजाओ। ओ शिरो, गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना। मॉर्निंग इंस्पेक्टर, आज सुबह सुबह दर्शन देने आ गए, क्या बात है? इत्तेफाक से हाशिम भाई मिल गए, हमारी पुरानी जान पहचान है, सोचा आपसे मिलवा दूं, आपका काम बन जाएगा। क्या बेचते हैं ये? बेचता नहीं हूँ, बिकवाता हूँ, खरीदवाता हूँ। यानी दलाल, दलाली का व्यापारी। ओ आई सी, देखिए मिस्टर हाशिम भाई। हाशिम भाई? ओ यस हाशिम भाई। ना तो मुझे कुछ बेचना है ना खरीदना है। नहीं पर दरोगा साहब तो बोल रहे कि आपको एक गाड़ी चाहिए दौर के वास्ते, इंपोर्टेड फॉरेन। ओ तो आप रेसिंग कार बेचते हैं? बरोबर, समझ गया, नहीं दिख रहा। और इंस्पेक्टर साहब के साथ आपकी पुरानी पहचान है? हाँ, हमारी पुरानी जान पहचान है। इंस्पेक्टर साहब, सूरज से तो ये आदमी झूठा लगता है, और आप भी झूठ बोल रहे हैं। कुड़ापा की कसम, कुड़ापा की कसम, हम लोग दोनों बचपन के यार है, एकदम लंगोटी है, हम दोनों में से कोई झूठ नहीं बोलता है। अच्छा, आपको मेरी जबान पे यकीन नहीं आता ना, मैं सबूत देता हूँ, नमूना लेके अपने साथ में। आपको नमूना दिखाना तो आपको विश्वास हो जाएगा। नमूना ये देखो, एक नमूना, एक नमूना, ये नमूना, ये अच्छा नमूना है। मेरे को नहीं 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 नहीं, गाड़ी को। छोटे सरकार बहुत अच्छा मस्करी कर लेता है, नहीं है तो छोटे सरकार ही ना, वो भलटा सलटा तो नहीं है। जी नहीं, स्टेट तो अब रही नहीं, फिर भी ये देवीगढ़ के छोटे राजकुमार मिस्टर अशोक सक्सेना है। अरे ऊपर कितने घड़े में सलाम करना भूल गया, अस्सलाम वालेकुम, अब तो आप बोनी काटेगा पजर पजर। ये किसके साथ जा रही है? बात दरअसल ये है मिस्टर हातिम ताई, हाशिम भाई वर्मा। यस यस, हाशिम भाई वर्मा वाला। अब मुझे रेसिंग कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप जो हमें फैंटास्टिक शो दिखाने वाले थे उसका इरादा बदल दिया? जी नहीं, इरादा अब भी नेक है। वो देखिए, इंस्पेक्टर, ये वही गाड़ी है जिसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। अरे ये गाड़ी को अंगा लगा, ये तो बंगार है, बंगार। ए आदम दाई, ए ए आदम दाई ने बोले का, हाशिम भाई वर्मा वाला बोला, बोलेगा कितना टाइम? ये गाड़ी का कोई क्लास नहीं, क्लास नहीं ये गाड़ी का, ये गाड़ी दौर के अंदर उठाने का काबिल नहीं है, थोड़ा सा ये गाड़ी का गिलास को लग जाएगा ना, कोई जिंदा नहीं बच पाए क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। ये गाड़ी,
ये गाड़ी कैसे आई? ये मेरी वही गाड़ी है भाभी, सोया है सिला। ये झूठ है, ये झूठ है इंस्पेक्टर। अशोक इसी गाड़ी के साथ झील में गिरा था। जब पुलिस ने गाड़ी निकाली तो सिर्फ टुकड़े मिले थे। हाँ ये तो मैंने बोला, जो आदमी अंदर जावे मुमकिन नहीं है कि बच जावे। कितना टुकड़ा मिला था भाभी? ऊपर से चाहे तुम कुछ भी नाटक कर लो, लेकिन तुम दिल से जानती हो ये वही गाड़ी है और मैं अशोक हूँ। ये झूठ है, ये सच है। अब वापस जबन भी नो बो प्रॉब्लम वापस डिपे स्नैपर्ट सुपर इज डूपिंग हियर पर से पहले बैंक का पास। इडियट 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 दरोगा साहब, आपको इडियट बोला। इडियट इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा दोस्त स्वा है, भाभी जी भी इसे जानती हैं। नहीं मैं इसे नहीं जानती। कमाल है, ये घर के अंदर सब अनजाने लोग हैं। वो बोटा जानता है, ये बोटा नहीं जानता है। मेरे को कुछ लफड़ा दिखता है। कोई लफड़ा नहीं हाशिम भाई, कोई लफड़ा नहीं। इंस्पेक्टर साहब को सबूत चाहिए और सबूत अभी मिल जाएगा। मैं तैयार होकर आता हूँ। अरे मारा बाप, वो चोकरी भी उसका पूछू क्या? कोई लफड़ा क्या दोनों का? दोनों का ये इनका जाति मामला है, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं। खुदा तू पाक तारी जात पाक, तू गडेरो ना पाक, डंडो चो पट गयो। सलाम अलैकुम। इंस्पेक्टर ये इसका आखिरी तमाशा है और अंजाम थोड़ी ही देर में यह हवालात में होगा। और नहीं तो क्या? तुम सोच भी नहीं सकते कि जब अशोक सक्सेना कार की स्टीयरिंग पर बैठता था तो वो क्या बन जाता था। क्या करूं शीला जी, मजबूर हूं मैं तो, पुलिस से प्रॉमिस करके फंस गया। अब तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही कि अशोक सक्सेना की तरह नकली अशोक सक्सेना की मौत हो जाएगी। तुम जैसे बदमाश लफंगों का यही अंजाम होता है, मगर तुम्हारी मौत मेरे डैडी की मौत का कारण बन जाएगी। पुलिस की नजरों में, भाभी की नजरों में मैं गिर जाऊंगी, सारी दुनिया मुझ पर थूकेगी। नहीं शीला जी, ऐसा मौका नहीं आने दूंगा। इसको कहां? कम ऑन। इंस्पेक्टर साहब, न जाने आपकी बार कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं। नहीं तो हर बार रेस में जाने से पहले भाभी जी मुझे आशीर्वाद दिया करती थी। रिश्ता वालक अशिला विपेशिपी वो अपॉल दे पेपेस्ट थपन की पे। ड्राइवर स्वास्थ्य साहब के आराम का बंदोबस्त करो। आइए इंस्पेक्टर। बैठो इंस्पेक्टर साहब, सुंदरगढ़ जहां से शुरू होता है हम वहीं से शुरू करेंगे। इसको आओ हरि सिंह। चलिए हुजूर। सो मिस्टर अशोक सक्सेना, सुंदर घाट यहां से शुरू होता है। 5:04 से कुछ कम है। यहां से बिल्कुल 7 मील पर हरि सिंह जीप लेकर खड़ा है। 5:03 पहले हम यहां से स्टार्ट करें। हरि सिंह के हाथ में जो टाइम पीस है, याद रखिए, उसका अलार्म ठीक 5 बज उठेगा। 1, 2, 3 Thank you.
नामुमकिन। दिन भी नहीं हुआ। हो गया अफसर साहब। अब की बार एक सेकंड पहले पहुंचा हूं। मैंने खुद ही अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हम चलें? ठीक है। टेलीफोन कहाँ है हरि सिंह? टेलीफोन कहाँ है? टेलीफोन तो उसे सुंदरगढ़ में है, 4 मील है यहाँ से। चलिए। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मेहरबानी करके ध्यान से सुनिए। कहिए। मुबारक हो अशोक, मुबारक हो। तुमने तो कामयाबी का एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। भाभी, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने कसम खाई थी ना कि मुझसे पूछे बगैर रेसिंग कार नहीं चलाओगे? भाभी, मैं तो तुम्हारे पैर छुनाया था, सोचा था तुम रोक लोगी, लेकिन तुमने मुझे। अशोक, न जाने मुझे क्या हो गया था, मैंने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। खैर, भूल जाओ उन सब बातों को, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है। कहो ना भाभी। यहाँ नहीं, आओ मेरे साथ। शिला, जाओ तुम कपड़े बदल लो। बचपन में इस कमरे में जरूर आए होंगे। हाँ भाभी, बस कुछ कुछ याद आ रहा। बहुत गर्मी है ना? अच्छा अशोक। जी भाभी। तुम तो पहले बहुत शराब पीते थे, अब छोड़ दिया है क्या? जी नहीं भाभी, छोड़ी तो नहीं, लेकिन तुम पिलाओगी तो पी लेंगे। आज की कामयाबी की खुशी में मैंने तुम्हारे लिए ये खास बंदोबस्त किया है। बैठो। अरे यहाँ नहीं, वहां आराम से बैठो। चीयर्स। अब बताओ तुम कौन हो, क्या चाहते हो? कैश की बात करूं या हिस्से की? कुछ भी कह सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। पहले तो मुझे वो कागजात चाहिए रानी जी,
जिन्हें किसी भी गैर मुल्क को बेचा जाए तो उनसे करोड़ों रुपए हासिल हो सकते हैं। वो कागजात मेरे पास नहीं है। ये झूठ है। खैर, पॉन्डिक्लेयर ज्वेल्स और कुछ, और वो मंदिर की सोने की तीन मूर्तियां। उन मूर्तियों के बारे में बात मत करो, वो वहां से नहीं हटेंगे। मैं उन मूर्तियों के बारे में नहीं बोल रहा, वो तो नकली है, इसलिए तो मंदिर के दरवाजे पर ताले की जरूरत नहीं होती। तो क्या हुआ, मालिक मैं हूं, जो चाहे कर सकती हूं। जी नहीं, कानून के मुताबिक इस सारी दौलत की मालिक सरकार है। खैर, हमें इस सारी दौलत से क्या लेना, हमें तो सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए, चाहे किसी भी शर्त पर। या तो आप मुझे अपना देवर अशोक सक्सेना मान लें, या उसकी कीमत चुका दें। अगर मैं इनकार कर दूं तो दुनिया के सामने यह साबित हो जाएगा कि रानी गायत्री देवी का इस जायदाद पर कोई हक नहीं, इसका मालिक सिर्फ अशोक सक्सेना है जो अभी तक जिंदा है। दुनिया पागल है क्या, तुम्हारी बात मान लेगी? दुनिया नहीं, पागल आप हैं। और बहुत जल्दी ये बात सारी दुनिया के सामने साबित कर दी जाएगी कि रानी गायत्री देवी लालची नहीं, पागल है, जो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। ओह, तुम मुझे धमकी देकर पैसे वसूल करना चाहते हो, तुम्हें एक छुट्टी कौड़ी नहीं मिलेगी। गेट आउट। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, आपका काम नहीं बना, मैंने माइक्रोफोन का कनेक्शन ऑफ कर दिया है। हेलो, कौन? रानी जी, इंस्पेक्टर, गड़बड़ हो गई है। उस कमीने को पता चल गया था कि मैं उसकी बात नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, इसलिए उसने पहले से ही माइक्रोफोन का कनेक्शन ऑफ कर रखा था। माय गॉडनेस, कितना बड़ा बदमाश है ये। लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं। अच्छा, फिर तो सारा काम बन गया, वही तो असली चीज है। मैं अभी आता रानी जी। चल जाइए। अच्छा सुनिए, तो अभी खाना खाने का टाइम नहीं है। खाना तो आप खा चुके, लेकिन इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? तुम नहीं समझोगी, बहुत जरूरी काम है, तुम दरवाजा बंद कर लो और जाकर सो जाओ। सुंदरी, शैतान मेरे कमरे में घुसकर मुझ पर गुली चलाता है। जी नहीं, मैं तो ये देख रहा था किसका निशाना पक्का है, आपका या मेरा। क्या बात है रानीमा, क्या बात है भाभी? कुछ नहीं, भाभी जी पागल हो गई हैं और इनका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है, अब तो इन्हें पागलखाने भेजना ही पड़ेगा। तुम जाओ यहां से। रानी माँ, कौन? दारोगा बाबू है। अब क्या लेने आए हैं? जाके कह दे चुन लीवर पानी में डूब मरे और पुलिस स्टेशन को आग लगा दे। जी रानी माँ। सुन, मेरा एक काम कर सकती है? जी रानी माँ। तुझे पता है वो शीला की गाड़ी की चाबी कहाँ है? हाँ, मुझे लाके दे सकती है? वो तो मेरे भाई हाथ का काम है, अभी लाती हूँ। गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगी। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, लेकिन अभी नहीं। देख, जाके नीचे के सारे दरवाजे खोल दे, जब सब सो जाए तो मुझे बता देना। हाँ, बहुत चाहिए। Thank you.
दरवाजा बंद करके बाहर सो जा। सूटकेस मुझे दीजिए। नहीं। ये सूटकेस मुझे दे दीजिए। नहीं। ये सूटकेस मुझे दीजिए। ये सूटकेस मुझे दीजिए। आई रानी माँ। क्या हुआ चंद्री? ये सूटकेस मुझे दे दीजिए। सूटकेस। क्या हुआ रानी माँ? खबरदार। अगर इस सूटकेस को हाथ भी लगाया, तो जान से मार डालूँगी। अरे ब्रो, खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है? चल खड़ा नहीं मांगो, चल। तबीयत कैसी है रानी माँ? मेरा सूटकेस कहाँ है? ये है आपका सूटकेस। वो कमीना यहीं पे झपटे रहा, हम चक्कू दिखाए तो भाग गया। मैं तुझे नाम दूंगी। मेहरबानी रानी माँ। एक काम कर जी, वहां से कागज और कलम लेके आ जी, साथ में लिफाफा लेके आना। अच्छा। देख, थोड़ी देर के बाद गंगू को मेरे पास भेज देना जी। अब तू जाके आराम कर। क्या हुआ? नहीं मिली। गई कैसे? मैंने ऊपर से देखा, मेरे नीचे आने के पहले ही निकल पड़ी थी। गाड़ी से पीछा किया लेकिन फिर भी नहीं मिली। माय गॉडनेस। हाय। कहाँ गई थी? तुमने क्या सोचा? भाग गई थी? तुमने तो इस भूतिया महल में लाकर मुझे कैद कर रखा है। अब तो ऐसे लगता है कि इस चार दीवारी में मैं पागल हो जाऊंगी। समझ में नहीं आता छुटकारा कब मिलेगा। कहा ना, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा। वो तो कल ही पूरा हो गया था। कैसे? सब कुछ तो सूटकेस में था, लेकर भाग क्यों नहीं गए? एक लड़की ने चाकू क्या दिखाया, डर गए? जी नहीं शिला जी, मुझे मालूम था जो कुछ भी मुझे चाहिए सूटकेस में है। लेकिन अब ये क्यों नहीं सोचती, जब कोई साबित नहीं कर पाया कि मैं अशोक सक्सेना नहीं हूं, सिर्फ एक सूटकेस चुरा कर पुलिस के सामने ये क्यों साबित कर दूं कि मैं एक मामूली सा चोर हूं? एक बात पूछूं? पूछिए। अगर तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा तो तुम अच्छे बन जाओगे? क्यों? यूं ही। चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी है। ड्राइवर। तुम और मैं, गाड़ी मैं चलाऊंगी। बात यह है कि जब तुम्हारा लंबू ड्राइवर जेब पे हाथ रखता है ना,
तो मेरे दिल में यूं यूं होने लगता है। अच्छा लेट्स गो। थैंक यू मैडम। जगह तो बहुत खूबसूरत है। हाँ और सुनसान भी। पहले कभी आए हो? जी नहीं। एक बात पूछूं? पूछो। इरादा क्या है? तुम्हारा असली नाम क्या है? देखिए असली हो या नकली, देवीगढ़ में मेरा सिर्फ एक ही परिचय है, अशोक। अशोक सक्सेना। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, हमें सिर्फ फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह लिखे हुए सीन को निभाना है, वो भी रानी जी के सामने। उफो, जब देखो फिल्म की बातें मैं तो बोर हो गई। कुछ रियलिटी की बात करो ना। मसलन? चलो ड्यूट गाएं। जी हमें कोई गाना बाना गाना नहीं है। लेकिन मुझे तो गाना है। चलो जी, लगता है गुंडों ने हमें घेर लिया। चलिए भाग चलते हैं। जी नहीं, ये लोग तो सिर्फ इतना मालूम करने आए हैं कि मेरे डैडी कहाँ हैं। मुझे क्या मालूम डैडी कहाँ हैं? नहीं मालूम, अब ही मालूम हो जाएगा। लो इनसे मालूम कर लो। मारेगा क्या? ए, आगे नहीं आना, बोल दे तो मैं भाग जाऊंगा। ये नहीं बोलने वाला। तुम लोग जाओ। ये लो। कमीने, राइटर ने सीन लिख दिया। बड़ा फिल्मी हीरो। कभी फिल्म देखी है क्या? जाकर देख। अकेला हीरो 30 गुंडों की पिटाई करता है और यहाँ 3 से लामलेट हो गया। अच्छा तो आपको फिल्मी फाइट देखनी थी? अरे बापे,
पहले बता देते तो दिखा देते। अब कैसे दिखाएगा, वो तो तेरी धुलाई करके चले गए। चले कैसे गए? चले कैसे गए? अगर आप ताली बजा सकती है तो मैं भी बजा सकता हूँ। बजाओ। 1, 2, 3। छोड़ दो इन्हें, मेम साहब को फिल्मी फाइट देखनी है। तुम लोग एक साइड में हो जाओ, मुझे जरा अकेले ही फाइट करने दो। चाबी दो। हाँ? गाड़ी की चाबी दो। मगर मैं सुनो इंस्पेक्टर, मैं यहां हूं रानी जी। ये लीजिए। ये क्या है? इसमें हमारे कीमती कागजात और ज्वेलरी है, अब इसे लेकर एसपी साहब के पास पहुंचा दीजिए। मगर देवी पर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी रानी जी। तो क्या हुआ, अब मैं इनको यहाँ एक पल भी नहीं रख सकती, क्योंकि उस कमबख्त की नजर सिर्फ उस पे है। जल्दी कीजिए, कोई देखेगा। जल्दी। बहुत अच्छा रानी जी। आप इधर भाग दौड़ कर रहे हैं, चलकर देखिए तो सब मामला उलट गया। क्या उलट गया? वो लड़की उस कमबख्त को जंगल में ले जाकर ऐसी पिटाई कर रही है, ऐसी पिटाई कर रही है कि अब तक तो शायद कमीना खत्म हो गया होगा। अरे कोई खत्म नहीं हुआ, सब इधर ही हैं। तुम बैठो जीप में, हमें इसी वक्त देवीपुर जाना है। अच्छा अच्छा चलिए चलता हूँ, आप जो बोलेंगे वही होगा। हरी
भारी सिंह जी जल्दी करो, एसपी साहब के घर जाना है। लेकिन जीप की चाबी तो वो लोग ले गए। ओ, 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 चलो कुछ कोशिश करते हैं। आइए चलिए। गंगू जी, रानी जी से कहो कि सुपरिटेंडेंट साहब उनसे मिला है। अच्छा जी, आइए सर। सुंदरी जल्दी से रानी माँ को बोल, पुलिस साहब मिलने आए हैं। आइए आइए आइए। नमस्ते रानी जी। नमस्ते, तशरीफ रखिए। थैंक यू। इतने दिनों बाद आज अचानक आपको मुझसे मिलने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं जानता हूं रानी जी कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन आप तो जानती हैं कि इस मामले में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बिना सबूत के हम सबूत 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 एक जालसाज बदमाश इतने दिनों से एक बेसहारा औरत पर जुल्म कर रहा है और आप लोग न जाने। देखिए रानी जी, इन सब बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हालात ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि हमें फौरन कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। कल रात इंस्पेक्टर पांडे के यहां जो कीमती चीजें और कागजात आपने भेजे थे वो रास्ते में लूट लिए गए। क्या कह रहे हैं आप? आप जानती हैं वही मेरा आखिरी सहारा था और उसी को हासिल करने के लिए वो बदमाश मेरे दिलर बंदर यहाँ आया है। क्या बात है? सर यही वो आदमी है। समझ में नहीं आता इसे देवीगढ़ पैलेस कहूं या पुलिस स्टेशन। तो आप ये मिस्टर अशोक सक्सेना इस महल का मालिक, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। सुनिए मिस्टर, मैं यहां आपसे जान पहचान करने नहीं आया हूं। मैं खास तौर से ये जानने आया हूं कि रानी जी ने इंस्पेक्टर पांडे के हाथ जो कीमती चीजें और कागजात मुझे भेजे थे वो कहां हैं। क्या मतलब कागजात? कौन से कागजात? कौन से कीमती चीजें? क्या कह रहे हैं ये लोग? किसके हुक्म से भेजा था तुमने? हुक्म? जो चीज मेरी है उसे भेजने के लिए मुझे तेरा हुक्म लेना पड़ेगा? अच्छा, अब तो यही लगता है भाभी कि तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। और आप लोगों ने एक पागल औरत की पागलपन का सहारा लेकर देवीगढ़ के अनमोल हीरे जवाहरात कीमती कागजात गायब करवा दिए और उल्टा मुझसे पूछने वो कहां गए? ए मिस्टर, जबान संभाल कर बात कीजिए। जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? जस्ट ए मिनट पांडे, सुनिए मिस्टर, ये सच है कि रानी जी कोई सबूत नहीं दे पाई कि आप एक जालसाज और पहरूपी हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आप जो चाहे कर सकते हैं। इस मुल्क में कानून अभी भी जिंदा है। हाँ हाँ एसपी साहब, वो मुझे मालूम है। अब तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। भाभी जी की इज्जत के खातिर मैंने सोचा था घर का मामला घर में रहने दूं, इसलिए मैंने मेडिकल बोर्ड को घर में बुलाया है ताकि भाभी जी का चेकअप मैं घर में करा सकूं। ये झूठ है, ये कमीना झूठ बोल रहा है। उस दिन से इसने ये कहना शुरू किया है कि मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। एक मिनट रानी जी, जरा मुझे बात करने दीजिए। ये मेडिकल बोर्ड की क्या बात है? मेंटल हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड जो ये फैसला करेगा कि औरत पागल है, उनसे सर्टिफिकेट लेकर मुझे कोर्ट में दाखिल करना है ताकि आपकी रानी जी को पागल खाने में रखकर सही तरीके से इलाज किया जा सके। और 5 साल पहले हमें यही करना पड़ा था। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मगर आपके पास क्या सबूत है कि रानी जी पागल हुई थी? यह सबूत मैं मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करूंगा। इसके पास कोई सबूत नहीं है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं, यहां तक कि मैं इनके देवर हूं, इसका भी सबूत नहीं है। इस घर का मालिक हूं, इसका भी सबूत नहीं है। इसलिए अपने देश में कदम रखते ही मुझ पर पुलिस के जुल्म शुरू हो गए। खैर इस पे साहब, मैं आपसे बहस करके अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। कल सुबह मेडिकल बोर्ड आ रहा है और उसके फैसले के बाद ही आप अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। ठहरिए, आप चाहे कोई भी हो लेकिन मैं इस डिस्ट्रिक्ट का एसपी हूं और हमारा फर्ज क्या है यह आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। ये मेरा हुक्म है, इस महल में कोई मेडिकल बोर्ड नहीं आएगा और अगर मेडिकल चेकअप की जरूरत है तो हम खुद कल सुबह रानी जी को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। मैं क्यों जाऊं हॉस्पिटल? मैं कह रही हूं मैं पागल नहीं हूं, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? आप समझती क्यों नहीं रानी जी, मुझे तो इसमें भी इन लोगों की कोई चाल नजर आती है। हाँ। आप घबराइए नहीं,
मैं आपके साथ चलूंगा। पांडे। यस सर। अब से पुलिस 24 घंटे इस महल में पहरा देगी और आप पैलेस कंपाउंड के बाहर नहीं जाएंगे। आई सी। सर सिंह। पिंटो। यस सर। सर। यस। तुम सब इस घर के नौकर हो और तुम लोग ये भी अच्छी तरह जानते हो कि इस घर का असली मालिक कौन है और तुम लोग किसका नमक खाते हो। पुलिस मुझ पर नजर रखेगी कि मैं पैलेस कंपाउंड के बाहर ना जाऊं और तुम सब लोग रानी जी पर नजर रखोगे कि वो महल के बाहर कदम भी ना रखने पाए। इसके साथ आप लोगों ने एक पागल औरत के इशारे पर नाचकर गदीगढ़ के असली मालिक को झूठा साबित करने की कोशिश की। यहां तक कि हमारे कीमती कागजात और जेवरात भी गायब हो गए। मालूम नहीं वो कहां है ना। अब तो मेडिकल बोर्ड के फैसले के बाद आप ही के कानून का सहारा लूंगा और उस वक्त आप लोग कानून की इज्जत से बच नहीं पाएंगे। सुंदरी, तुम रानी मां की खास चाकर हो और देख भी रही हो कि रानी मां किस कदर बीमार है। आज रात तुम इनके दरवाजे के बाहर पहरा दोगी। जो हुकुम मालिक। तू भी इनके साथ है। देखिए देखिए पुलिस साहब, तूने मेरे साथ नाटक किया। करेंगे तो लोग इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ। देखिए ना पांडे। यस सर। मैंने जैसा कहा वैसे ही करो। सिर्फ वही आदमी नहीं, इनमें से कोई भी आदमी कंपाउंड के बाहर नहीं जाएगा। ओके सर, लेट मी डिस्कनेक्ट द लाइन। एक देवी जैसी औरत को दुनिया के सामने जलील करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दौलत की लालच में इंसानियत को भी भूल गए? दौलत बहुत बड़ी चीज है शिला जी, जिसके सामने इंसानियत कोई माने नहीं रखती। ठीक है, कल मैं भी भाभी के साथ चलूंगी, चाहे कुछ भी हो, और सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। पिंटो। बस, पुलिस कल सुबह रानी जी को लेकर मेंटल हॉस्पिटल जा रही है। बस, शीला जी कह रही है कि वो भी रानी जी के साथ जाएंगी और सबके सामने हमारी पोल खोल देंगी। नहीं नहीं। आइए रानी जी। तुम आगे बैठो। पांडे। यस सर। तुम अपनी जीप इन दोनों गाड़ियों के पीछे रखोगे। ओके सर। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तुम गोली चला सकते हो। राइट सर। तुम लोग सब उस गाड़ी में बैठो।
रानी जी, मेंटल हॉस्पिटल में ये सब होता ही है। मुझे बता लीजिए, मुझे मैं पागल नहीं हूँ। अरे खड़े खड़े हूँ क्या देखे? अरे क्या बात है, शोर क्यों हो रहा? ये बगली फिर भागना चाहती थी। अच्छा, इसे ले जाओ शॉक चैम्बर में, दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, मैं भाग नहीं हूं, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ले जाओ, भाग नहीं हूं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं भाग नहीं हूं। इतनी सारी पुलिस, पुलिस का यहां क्या काम? डॉक्टर साहब, मैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देवीपुर हूँ। ये मामला इतना सीरियस है कि हमें खुद रानी जी के साथ यहाँ आना पड़ा। रानी जी? जी हाँ, ये देवीगढ़ स्टेट की विधवा रानी गायत्री सक्सेना, और ये अशोक सक्सेना, रानी जी का देवर। ये गलत है डॉक्टर साहब, रानी जी का दावा है कि उनका देवर मर चुका है, और हमें भी शक है कि आदमी धोखेबाज है, जालसाज है। तो फिर ये पुलिस केस है, इसका फैसला अदालत करेगी। डॉक्टर साहब, आपको शायद मालूम नहीं, अभी भाभी जी के चेकअप के लिए मैंने ही देवीगढ़ में मेडिकल बोर्ड बुलाया था। यस डॉक्टर, आज ही एक मेडिकल बोर्ड के देवीगढ़ जाने की बात थी। जाने की बात है तो जरूर जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी बारात यहाँ बुलाकर हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब, रानी जी एक बाइज्जत हस्ती हैं, और उनकी इज्जत के खातिर हमने ये फैसला किया कि मेडिकल बोर्ड देवीगढ़ जाने के बजाय हम खुद रानी जी को यहाँ लेकर आए। लेकिन इतने सारे लोगों के अंदर आने की जरूरत है? डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर पांडे और हवलदार हरि सिंह शुरू से इस केस को हैंडल कर रहे हैं, अगर आपको किसी खास इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो। इस वक्त यू कैन कम इन। और ये लोग? डॉक्टर साहब, ये सब रानी जी के खास नौकर नौकरानी हैं। ये झूठ है, ये सब इसी का आदमी है, सबके सब बदमाश, सिर्फ गंगू मेरा नौकर है। नहीं, नहीं, अब तो इस पर भी मुझे शक होने लगा है। देखो डॉक्टर, ऐसी बातें कौन कर सकता है, सिर्फ एक पागल। शट अप, पागल कौन है कौन नहीं इसका फैसला हम करेंगे, ये लोग अंदर नहीं आएंगे। ये लड़की, ये किसकी लड़की है? डॉक्टर, ये शीला, मिस शीला। यू कैन कम इन ऑल्सो। आओ शीला, आओ भाभी। आइए रानी जी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी मेडिकल बोर्ड का सामना नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ से ले चलिए। नहीं रानी जी, ऐसा हम नहीं कर सकते। इस तरह अगर आप यहाँ से चली गई तो ये बदमाश आपकी गैरहाजिरी में कुछ भी कर सकता है। आप घबराइए नहीं, चलिए मेरे साथ, आइए। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर साहब, नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। दरवाजा बंद कर दो। एसपी साहब,
ये शॉक ट्रीटमेंट एक ऐसी भयानक चीज है कि अगर इंसान लाख कोशिश करे तब भी अनजाने में दिल की छुपी हुई बात जबान पर आ ही जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है डॉक्टर, शॉक ट्रीटमेंट के झटके से अगर कोई इंसान पागल ना भी हो तो भी वो अपने आप को पागल मान लेगा। हाँ बरखुरदार, और कभी कभी ज्यादा बोलने वाले की जबान भी बंद कर देती है। मैं शुरू से देख रहा हूं कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तुम पर आजमाओ ये तरीका। जी जी हाँ रानी जी, तशरीफ रखिए। एसपी साहब आप भी तशरीफ रखिए। थैंक यू। बैठो बेटी, बैठिए। May I have the file, please? इंस्पेक्टर पांडे, आप बताइए इस केस के बारे में आप क्या जानते हैं? डॉक्टर, रानी जी का कहना है कि 3 साल पहले उनके देवर की मौत मनीला में एक कार एक्सीडेंट में हुई, और ये आदमी उनका देवर नहीं है। और चूंकि रानी जी बार बार ये बात दोहरा रही हैं, इसीलिए अब ये आदमी ये दावा करने लगा है कि रानी जी पागल है। क्यों, क्या हक है तुमको? तुम डॉक्टर हो, साइकाट्रिस्ट हो, कौन हो तुम? तुम किस बिना पर कह सकते हो कि रानी जी पागल है? डॉक्टर, चीखने चिल्लाने से पहले अच्छी तरह एप्लीकेशन को पढ़ लीजिए। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 5 साल पहले भाभी पर इसी तरह का दिमागी दौरा मनीला में पड़ चुका है। ये झूठ है। ये सच है, और जब भी ये दौरा पड़ा था उस वक्त ये मुझे तो अपने पति को भी नहीं पहचानती थी। ये हालत है, ऐसा कभी नहीं होता डॉक्टर। हुआ था, ये सच है, हुआ था। उस वक्त मैंने, भाई साहब ने इन्हें 1 साल के लिए मनीला मेंटल हॉस्पिटल में रखा था, और बड़े बड़े डॉक्टरों ने इनका इलाज भी किया था। क्या सबूत है इसका आपके पास? सबूत? हाँ हाँ सबूत। अगर रानी जी किसी मेंटल हॉस्पिटल में थी तो उसका कोई रिकॉर्ड या रिपोर्ट होनी चाहिए। है, कहाँ है? तो डॉक्टर, चेहरा उतर गया। बकवास बंद करो। 5 साल पुरानी रिपोर्ट पर हम अपना फैसला पेश नहीं कर सकते। हमें रानी जी को खुद पर्सनली एग्जामिन करना होगा। रानी जी को यहाँ रहना होगा, इसके लिए हमें वक्त चाहिए। वक्त मेरे पास नहीं है डॉक्टर। अपनी जायदाद का फैसला करके मुझे मनीला वापस जाना है, और मैं भाभी को भी साथ लेकर जाऊंगा, वही उनका इलाज कराऊंगा। ये मेरी भाभी की जिंदगी का सवाल है। मैं इन्हें तनहा ऐसा एक सरियल घटिया पागलखाने में छोड़कर जा नहीं सकता। क्या कहा डॉक्टर, मुझे पागल ना बनाना। क्या? हम लोग पागल हैं? हाँ हाँ पागल है। ये पागलखाना घटिया है। घटिया है, सरियल है। सुन लिया आप लोगों ने डॉक्टर? मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। ठीक है, रानी जी के केस का फैसला हम लोग अभी करेंगे। आइए रानी जी। कहाँ? शॉक चैम्बर में। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं वहां नहीं जाऊंगी। आप समझते क्यों नहीं रानी जी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। ज़्यादा मत करो। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं पागल नहीं हूँ। इसी बात का तो हम आपके देवर को यकीन दिलाना चाहते हैं। ये मेरा देवर नहीं है, ये मेरा देवर नहीं है। मेरा देवर मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है। क्या सबूत है? है, मैं हूँ सबूत। कैसे? ये झूठ बोल रही है। नहीं, ये पागल हो रही है। मैं पागल नहीं हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारा देवर हूँ। मेरा देवर नहीं है, तू मेरा देवर नहीं है। मेरा देवर मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। मैंने उसका खून किया है। खून? यस मिस्टर पांडे, रानी जी ने अपना देवर अशोक सक्सेना का खून किया है। शराब पिलाकर बेहोशी की हालत में रेसिंग कार के साथ उसे झील में गिरा दिया था। इट वॉज अ प्लेन एंड सिंपल केस ऑफ मर्डर, पर इसका कोई सबूत नहीं था। हमें रानी जी का कन्फेशन चाहिए था। शी हैज कन्फेस्ड बॉस, रानी जी ने इकरार कर लिया है। जेंटलमैन, आप सब लोगों ने खुद ही सुन लिया है कि रानी जी ने इकरार किया है कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपने देवर का खून किया है। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ना तो मैं डॉक्टर हूं और ना ही ये पागल खाना है। मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीक्रेट सर्विस पुलिस दिनेश दीक्षित हूं, और यह है मेरे मनीला के काउंटर पार्ट इंस्पेक्टर जनरल हुआ सिंह ऑफ मनीला सीक्रेट सर्विस पुलिस। इंस्पेक्टर पांडे, आपको जिस नौजवान पर शक था कि वो रानी जी का देवर नहीं है, दर हकीकत वो नहीं है, मेरा असिस्टेंट है सुनील वर्मा, हमारे डिपार्टमेंट का सबसे काबिल ऑफिसर। अच्छा, तो ये मेरे खिलाफ साजिश थी, लेकिन जिन चीजों के लिए तुम लोगों ने साजिश की वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी।
क्योंकि वो अब मेरे पास भी नहीं है। हमारे पास है। इंस्पेक्टर। यस बॉस। Don't be surprised, Inspector Pandey. ये वही सूटकेस है, the same suitcase. और ये रानी जी के भाई हैं, बहुत गुनी आदमी है, बहुत गुनी। रानी जी ने आपके हवाले ये सूटकेस किया था और आपसे कहा था एसपी साहब को जाके दे दीजिए, और साथ ही अपने भाई को चिट्ठी लिखकर डकैती करवा दी, क्योंकि उस सूटकेस में चंद कागजात थे जो अगर किसी गलत मुल्क के हाथ में पड़ जाते हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक साबित होते। हमारा सबसे बड़ा मकसद बन गया उन कागजात को हासिल करना, लेकिन उन कागजात पर एक और आदमी की नजर थी, वो था अशोक सक्सेना। रानी जी और उनके भाई ने मनीला पुलिस को बयान दिया कि अशोक सक्सेना कागजात लेके फरार हो चुका है। मनीला पुलिस ने अशोक सक्सेना की तलाश की और दो तीन दिन बाद अशोक सक्सेना की लाश गाड़ी समेत झील से बरामद हुई, लेकिन कागजात नहीं मिले। पुलिस को अशोक की मौत पर शक तो हुआ था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कुछ ही दिनों बाद रानी जी देवीगढ़ वापस आ गई। मनीला पुलिस ने हमारी सरकार को कांटेक्ट किया और हमको एक ही बात का एहसास हुआ कि अगर हम अशोक सक्सेना की मौत के राज तक पहुंच जाएंगे तो सारे पर्दे खुद ब खुद हट जाएंगे, और आज सारे पर्दे खुद ब खुद हट गए हैं। एसपी साहब। यस सर। रानी जी, उनका भाई, इन दोनों की जिम्मेदारी आप पर है, इनका फैसला कानून करेगा। यस सर। इंस्पेक्टर पांडे, हमें अफसोस है कि हमें बहुत सी चीजें आपसे छुपा के रखनी पड़ी, इसकी खास वजह थी हम चाहते थे कि रानी जी किसी एक पुलिस ऑफिसर को टोटल कॉन्फिडेंस में ले लें। आई एम सॉरी फॉर दैट। यहां तक कि हमने एसपी साहब को भी खास इंस्ट्रक्शन दी थी कि देवीगढ़ पैलेस में जो कुछ भी होता है उसमें मुदाखलत न करें। हमें आप जैसे पुलिस ऑफिसर पर नाज है, यू विल बी सूटेबली रिवॉर्डेड। मगर आईजी साहब, मेरे डैडी कहां है? तुम्हारे डैडी बिल्कुल ठीक है, बाहर पहुंच गए होंगे अब तक। This is one more feather in your cap. Reward क्या चाहिए तुम्हें? सर, मुझे इस केस में कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। तो फिर इजाजत चाहता हूं। Granted. Thank you. मेरे ख्याल से आप सब कुछ भूल जाएंगे। Yeah, क्या कह रहे हैं सर? After all, it was our duty. Yes, duty. Yes. First. ये मेरा फर्ज था। सर, आपने हवलदार हरि सिंह के लिए कुछ नहीं कहा, मेरी दरख्वास्त है कि आप इनके लिए प्रमोशन रिकमेंड करें। थैंक यू सर। हुजूर, बाय एवरीबॉडी। क्यों हीरो, कहाँ जा रहे हो? अपने घर। और मैं? आप भी अपने घर ही जाइए, क्योंकि राइटर ने जितने सीन लिखे थे सारे खत्म हो गए। लेकिन एक सीन बाकी रह गया है। वो क्या? यही कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। मेरे साथ? एक्सक्यूज मी मैम। अब क्या है? एक छोटा सा तोहफा। तोहफा? डैडी। शीला डैडी। पूरा हरा।